प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक स्पेशल और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे साजे ताड़स साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो पाकिस्तानी मूल के हैं पर वो अमेरिका में रहते हैं, और खास बात यह है कि आजकल वो हमारे प्यारे देश भारत में है। तो जानेंगे कि वो भारत के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनका भारत में एक्सपीरियंस और विजिट कैसा रहा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। थ्योरी थी, मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं टू नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भाई इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पर चलते रहना। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमने, हमारे इन लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप किस, आप मुझे ये बता, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिसक्रेडिट कर देना कि शायद ये रा का एजेंट है, ये ISI का एजेंट है। कई मेरे हिंदुस्तानी भाई यहां भी ये कह रहे हैं कि ISI, ये डीप स्टेट ISI का एजेंट है। क्या फर्क पड़ता है कुछ, दुनिया में मैंने देखा है चीमा साहब 5% लोग होते हैं, उनसे आप यू कैन नॉट डील विद देम। हर कम्युनिटी के अंदर 5% कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो दे आर बोर्न नेगेटिव, दे आर नॉट वर्थ पेइंग एनी अटेंशन, एंड मैं उनपे अटेंशन नहीं पे करता। मुझे ये बताएं, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया वो आपसे खुश है, अफगानी भाई आपसे खुश है नहीं खुश है, ईरान के साथ आप खुश है नहीं खुश है, चाइनीज आज आप IMF के कंधों पे चढ़ गए वो खुश है वो भी खुश नहीं है, लेकिन आप जाना कहां चाहते हैं, डायरेक्शन क्या है। चले उस बात उस पर तो मजीद बात करते हैं, लेकिन जिस शहर में बैठा हूं खासकर उसके बारे में मैं समझूंगा कि बताना जरूरी है अपने देखने वालों को। इस शहर जिसमें बैठा हूं, जो जहां बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां यहां पे जो पैदा हुई हैं, मैं समझता हूं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक तो यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, माओ के करीब यहां पे एक बहुत बड़ी छावनी है वहां, अब तो उसका शायद नाम भी चेंज कर दिया इन्हीं पे, भीमराव पे, लेकिन वो यहां पैदा हुए। मैंने देखा हर दूसरी जगह के ऊपर, बल्कि हर दूसरे शहर के अंदर उनके स्टैचूज लगे हैं। मैंने कई स्टैचूज कल मैं रात को यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे भी गया, जिसको सराफा बाजार कहते हैं, वहां गया। दिन में वहां पे ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, लेकिन शाम को वहां पे फूड शॉप थी। तो मैं वहां जब गया तो एक्सपीरियंस की फूड, वहां पे मैंने चाय पी, वो जिस तरह पाकिस्तान में वो तंदूर के अंदर वो चाय बना के देते हैं, वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मटका चाय कहते हैं, मटका चाय, वो उसको मैंने कल ट्राई किया वहां पे। और कई यहाँ पे मैंने पान देखे, कई मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ दुकानें देखी वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे एक पैलेस बड़ा मशहूर है, जो कि जिसको आग लग गई थी, लेकिन अभी उन्होंने मेंटेन किया काफी उसको। और दूसरा इस जिस शहर में बैठा हूं, इसका नाम इंदर, राजा इंदर थे उनके नाम पे बना था। इसका नाम पहले इंदरपुर भी रहा है और अंदूर भी था इसका नाम, लेकिन अब इसका नाम 1715 में ये शहर बना था। लेकिन दूसरा मैं देख जो बताना चाहूंगा, सलमान खान साहब यहाँ पैदा हुए, जो अब बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। सलीम खान यहाँ पे पैदा हुए, जानी वाकर एक 19th सेंचुरी में बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए। जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है वो राहत अंदौरी, जो कि वफात पा चुके हैं, एक लेजेंड। मैं आज भी यूट्यूब पे राहत अंदौरी उनकी चीजें सुनता हूँ, उनके शेर सुनता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी वो। और खासकर यहाँ पे दो नदियां हैं, सरस्वती और कान्हा नदी, उसके किनारे ये शहर आबाद है, बहुत खूबसूरत है। इसके वेदर शाम बहुत ठंडी होती है, और वेदर को कहा जाता है मालवा वेदर। और लोग इतनी मोहब्बत है और डाइवर्स है यहाँ पे। हमारे मुसलमान कम्युनिटी है कल, बल्कि मैं उसका वहां भी गया हूँ, बल्कि कल मैं एक जगह पे मैंने रुक के छोटे से फोटो शॉट्स भी बनाए एक ही जगह के ऊपर, बल्कि मैं चीमा साहब आपको भेजूंगा कि अपने देखने वालों से शेयर करें। एक साइड पे मजार है वहां पे लोग आके, और एक साइड पे मंदिर है, लोग मजार से निकलते हैं मंदिर चले जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं मजार पे आ जाते हैं। मैं इससे पिछले हफ्ते जब मैं गया, पिछले हफ्ते नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले जब मैं न्यू दिल्ली में था, तो मैं सीसगंज गुरुद्वारा साहब गया हूँ, एडजॉइनिंग मस्जिद में खड़े हो तो गुरुद्वारा साहब नजर आते हैं, गुरुद्वारा साहब में सामने खड़े हो तो सामने आपको कलमा और आपको गुंबद नजर आ रहा है। ये दिस इज व्हाट माय बेसिक फिलॉसफी, रिलीजियस टॉलरेंस, हमें बर्दाश्त का मादा होना चाहिए।
एक दूसरे के मजाहिब की इज्जत करना करनी चाहिए, और उसके बाद एक दूसरे से, मैं समझता हूं कि इफ एज ए ह्यूमन जब आप पैदा होते हैं, मजहब और नाम आपको बाद में दिया जाता है, आप बहसीते इंसान पैदा हुए हैं, उस रिश्ते का, इंसानियत के रिश्ते का सबसे पहले आपको तकद्दस होना चाहिए मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज प्रीच, जो प्यार करने की सलाहियत नहीं रखता वो मुकम्मल इंसान नहीं है, या उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसको चाहिए कि डॉक्टर को मिले, या अपनी नींद पूरी करे, या एक्सरसाइज करे, या खाना अच्छा खाए, क्योंकि दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर टू हेट ईच अदर, और हर वक्त ही ब्लड प्रेशर हाई होना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन चीमा साहब इंदौर ये था, मैं आज न्यू दिल्ली वापस जाऊंगा, और उसके बाद मेरा अमृतसर जलंधर जाने का प्रोग्राम है, फिर चंडीगढ़ है, और उसके बाद मेरा वापसी का प्रोग्राम है। लेकिन इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग बैक, जहां मैंने बताया कि यहाँ पे मेरी तीन फैमिलियां हैं जो मैं जिनको अपनी फैमिली समझता हूँ, एक वो जैन जैनी है, एक डिसाई है गुजराती है, और एक है सरदार भाटिया साहब है, और एक आज अभी जब हमारे स्कूट के आए जो खूबसूरती उसमें बताना चाहिए, सलूजा साहब थे जिनके पास से आए, सलूजा साहब थे, लास्ट नेम उनका सरदार है, सिख है, वेरी अकॉम्प्लिश स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, लेकिन एंसेस्ट्री फ्रॉम जेलम पाकिस्तान। भाटिया साहब जो मैं जिनको हमेशा कहता हूँ आई रिस्पेक्ट हिम लाइक माय फादर, उनका बैकग्राउंड बनू से है, पाकिस्तान से, और जब हम बैठते हैं सारे, वो दूसरे बल्कि डिसाई और जैन भी, वो सारे हम बैठते हैं, हम तस्वीरों में तस्वीरें खींचते हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार लगते हैं, हमारा डीएनए सेम नजर आता है, हमारी आंखें, नाक, हमारी सोचें, हमारे खुराक, हमारी हर चीज मिलती है 100.10%। मैं उनको जब उठता हूँ उनके बच्चों को कहता हूँ, तुम ज्यादातर को मैं अक्सर कहता हूँ तुम मेरे छोटे भाई भी हो, मेरे बच्चे भी हो, और मुझे बिल्कुल इस तरह ही प्यार करते हैं जिस तरह बच्चा अपने बाप से प्यार करता है। और मैं ये मैं जिस तरह पहले हमेशा कहता हूँ चीमा साहब कि आई एम गोइंग टू माई सेकंड, दिस इज माई सेकंड, बल्कि मेरा फर्स्ट होम तो अब अमेरिका है, पाकिस्तान इज अ सेकंड होम एज वेल, लेकिन इंडिया इज अ सेकंड होम। और कहते हैं होम, होम की डेफिनेशन क्या होती है, वेर यू फील कंफर्टेबल, वेर यू गो देयर एंड यू आर रिसीव्ड वेरी वेल, एंड भारत ने मुझे हमेशा ही ऑलवेज रिसीव्ड वेरी वेल। मैं भारत का शुक्रिया, पूरे कंट्री का शुक्रिया अदा करूंगा इतनी मोहब्बत और प्यार का। और वाकई ही जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान जाकर देखें, पाकिस्तानी पीपल टू पीपल अपनी मोहब्बत जाके देखें, तो वहां भी उतनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी ही है या उससे ज्यादा है जो मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, इस अनदर रिमार्केबल एक्सपीरियंस। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप इस वक्त, आज भी बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर, विच आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंदौर फॉर 2 lectures फ्रॉम द US। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट, ये 2 institution है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूं, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मेरे ये जहन में है, मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की और ख्वाहिश रखते हो और मैथ और इंग्लिश पे अपनी कमिटमेंट दें और टू डू समथिंग फॉर देम, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो। लेकिन ये मैं इस पे कंक्लूड साथ, खासकर चीमा साहब, अब देखें मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि इश्यूज क्या है, अब जिस तरह हमने अभी बात की है कि एक कपड़ों के प्रिंट के ऊपर आधा लाहौर रुक गया और जो खातून रेस्क्यू करके गई है, मैडम नकवी जो कि ASP थी, उनको मेडल दिया जा रहा है बहादुरी का,
लेकिन साथ ये भी डायलॉग चल रहा है, पीटीआई मेरे जो लौड़े लपाड़े हैं ट्विटर वाले, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर रखी है कि मरियम नवाज एक खातून जो है वो किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकती, और एक खातून जिनों के जरिए पाकिस्तान चला सकती है 3.5 साल, तो इस खातून को क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं चीमा साहब, एक खातून 3.5 साल जिनों के जरिए उसने एक एटॉमिक पावर को चलाया है, ऐसे ही तो मरियम नवाज को क्या प्रॉब्लम? और इन बच्चों को यह नहीं पता कि इस कंट्री के अंदर मोहतरमा फातिमा जिना इलेक्शन लड़ चुकी है, इनको ये नहीं पता बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, इनको ये नहीं पता जहां से पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई थी बांग्लादेश से, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वहां पे आज फीमेल उनकी वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी दफा खालदा जिया के बाद हसीना वाजन। लेकिन आज देखें कि कितना किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। खातून की कहते हैं जी हुक्मरानी किस तरह हो गई, क्यों नहीं हो गए भाई खातून को क्या? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा एक्सपीरियंस और उनकी बातें आपको काफी पसंद आएंगे, जहां पे उन्होंने हमारे प्यारे देश भारत के बारे में काफी सारी पॉजिटिव बातें और अपना एनालिसिस दिया। तो आशा करता हूँ साजिद ताड़ा साहब ने जो कुछ कहा वो आपको काफी पसंद आया होगा। जो उन्होंने कहा उसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।